स्वामी, आज तक मैंने असंख्य महाबलियों और दानियों के विषय में सुना है, किंतु आपकी महिमा के आगे सभी अत्यंत ही सूक्ष्म हैं। स्वामी, क्या तीनों लोकों में आपसे भी बढ़कर कोई वीर बलिदानी हुआ है? पार्वती, तुम्हें आज ये कैसा प्रश्न सूझा? जाइए। ठीक है, मैं तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर अवश्य दूंगा, परंतु उससे पूर्व मैं एक दृश्य तुम्हें दिखलाना चाहता हूं। सजता है दीप बन के आरती में चंद्रमा, खुद सूर्य देव बन के ज्योत जगते हैं यहाँ। जल की जगह अमृत की यहाँ पे बह रसदार, यह है श्याम का दरबार, बाबा श्याम का दरबार, मेरे श्याम का दरबार, खाटू श्याम का दरबार। अनमोल नगीनों से सजाई है दीवारें, आंगन में जड़ दिए हैं आसमां के सितारे। अनमोल नगीनों से सजाई है दीवारें, आंगन में जड़ दिए हैं आसमां के सितारे। जिस और भी नजरें उठा के देखता हूँ मैं, उस और ही आते हैं नजर दिव्य नजारे। द्वारों पे द्वारपाल बन के हैं खड़े दिक्पाल, आदेश में सेवा के हैं आतुर बड़े महिपाल। देवों के भी दर्शन की यहाँ पर लगे कतार, ये है श्याम का दरबार, बाबा श्याम का दरबार, मेरे श्याम का दरबार, खाटू श्याम का दरबार। शोभा है जितनी श्याम के दरबार की प्यारी, उतनी ही बाबा श्याम की महिमा भी है भारी। शोभा है जितनी श्याम के दरबार की प्यारी, उतनी ही बाबा श्याम की महिमा भी है भारी। आलोक से इनके प्रकाशमान है सृष्टि, गाती है इनकी कीर्ति वसुंधरा सरी। संसार में हारे के बाबा श्याम सहारे, चरणों में बाबा श्याम के सुख मिलते हैं सारे। दर्शन से बाबा श्याम के प्राणी लगे भव पार, ये है श्याम का दरबार,
बाबा श्याम का दरबार, मेरे श्याम का दरबार, खाटू श्याम का दरबार, कुछ समझ में आया पार्वती? भगवान, यह तो बर्बरिक है ना। मेरे कहने का तात्पर्य, जिन्हें कि हम खाटू के श्याम जी के नाम से जानते हैं। खाटू के श्याम, बर्बरिक, चांडिल, सुहृदय और शीश के दानी आदि इत्यादि न जाने कितने ही नाम हैं बाबा श्याम के। भोलेनाथ, क्या बाबा श्याम आपसे भी अधिक पराक्रमी और दानवीर है? हाँ देवी पार्वती, क्योंकि हम तो द्वापर युग में ही पूजे गए, परंतु बाबा श्याम तो कलयुग में भी पूजे जा रहे हैं। स्वामी, बाबा श्याम ने ऐसा कौन सा कार्य किया अथवा किनके आशीर्वाद से यह संभव हुआ? देवी पार्वती, इस रहस्य को जानने के लिए तुम्हें बाबा श्याम की कथा सुननी पड़ेगी। एक दिन इंद्रप्रस्थ के सभा भवन में पांडव श्री कृष्ण से चर्चा कर रहे थे कि तभी वहां भीमसेन और हिडिंबा के पुत्र घटोत्कच ने प्रवेश किया। महाराज, माता हिडिंबा के आदेश से मैं मेरु पर्वत से अपने सिंहासन को त्याग कर आपके समक्ष पहुंचा हूं। मेरी माँ की यह हार्दिक इच्छा है कि मैं आप लोगों की भक्ति और सेवा में आप लोगों के साथ रहूं, क्योंकि इस समय माता हिडिंबा एक दिव्य तपस्या में लीन है। अतः आप सभी पितृतुल्य महापुरुषों से मेरा निवेदन है कि मुझे ऐसा कार्य बताएं, मैं पुण्य लोकों में विजय पाकर अपने जीवन को सार्थक कर सकूं। पुत्र, तुम्हारे यह शब्द और जैसी शिक्षा तुम्हारी माता ने तुम्हें दी है, यह सुनकर हृदय अत्यंत प्रसन्न हो रहा है। तुम इस तरुणावस्था में भी अपनी माता के प्रति कितने कृतसंकल्प हो। भगवान, सर्वप्रथम मेरी इच्छा यह है कि मैं अपने इस पुत्र का विवाह कर दूं। आप तो सर्वज्ञ हैं, अतः आपसे अनुरोध है कि भीम नंदन घटोत्कच के योग्य कन्या बतलाएं। धर्मराज, एक सुसंस्कृत कन्या मेरी दृष्टि में है जो पुत्र घटोत के लिए उपयुक्त होगी। एक समय प्राग ज्योतिषपुर पर एक अत्यंत ही क्रूर दैत्य, जिसका कि नाम मूर था, राज्य करता था। उस नगर की जनता उससे अत्यंत ही दुखी थी, तो मैंने उसका वध कर दिया। तब उसकी पुत्री, जिसका कि नाम कामकंटकटा था और वह मौरवी के नाम से प्रख्यात थी, मुझसे युद्ध करने आ गई। वह इतनी शक्तिशाली थी कि उसने मेरे सभी बाणों को अपने खेटक से काट डाला। उसके वध के लिए ज्यों ही मैंने सुदर्शन चक्र उठाया कि तभी देवी कामाख्या ने प्रकट होकर मुझे रोका। पुत्र, तुम मौरवी से युद्ध कर उसे युद्ध में परास्त कर इंद्रप्रस्थ ले आओ। जिस समय तुम उसके सम्मुख होगे, मैं तुम्हारी दुर्भेद बुद्धि को और सुंदरी, मैं भीमपुत्र घटोत्कच हूँ और राजकुमारी मौरवी से भेंट करने हेतु आया हूँ। प्रासाद में जाकर उन्हें हमारे आगमन की सूचना दो। क्या कहा तुमने?
भीमसेन के पुत्र घटोत्कच द्वार पर हैं। हाँ, भीमसेन के पुत्र घटोत्कच द्वार पर हैं। हाँ मुँह। भीमसेन के पुत्र घटोत्कच द्वार पर हैं। हाँ। वो दिखने में कैसे हैं? साक्षात कामदेव के अवतार। झूठी? द्वार पर चढ़कर स्वयं देख लो। द्वार पर? मैं उनका सामना कैसे कर पाऊंगी? देख, वे तुमसे युद्ध करने थोड़े आए। युद्ध? मैं उन्हें भीतर ले आऊं? अरे अरे सुन, आइए पधारिए। ओ वज्र के समान कठोर हृदय वाली निष्ठुर नारी, सत्पुरुषों के लिए जो उचित आदर सत्कार होता है वह अपने हार्दिक भाव से करो, अन्यथा। अन्यथा? भद्रपुरुष, तुम व्यर्थ ही यहाँ चले आए। अपना जीवन चाहते हो तो तुरंत चले जाओ, और यदि मुझे चाहते हो तो कथा कहकर मुझे संदेह में डालो। यदि ऐसा हुआ तो मैं तुम्हारी सेवा करूंगी, अन्यथा। अन्यथा तो सुनो, मान लो एक युवक की पत्नी उसकी पुत्री को जन्म देकर मरणासन को प्राप्त हो गई, तब उस युवक ने उसका पालन पोषण किया। तरुण होने पर जब उसके सभी अंग विकसित हो गए, तब उस पिता ने उसके प्रति काम लोलुप हो अपनी पुत्री से कहा कि प्रिय, तुम मेरे मित्र की पुत्री हो तथा तुम्हें अपनी पत्नी बनाने के लिए मैंने तुम्हारा पालन पोषण किया है। पुत्री ने कथन को सत्य माना तथा उसे अपने पति रूप में स्वीकार किया। तत्पश्चात उस कामी पुरुष से एक कन्या उत्पन्न हुई, तो बताओ वह कन्या उसकी क्या लगेगी, पुत्री अथवा दोहित्री? अन्यथा? अन्यथा मैं आपसे परास्त हुई, मैं स्वयं को आपके चरणों में समर्पित करती हूँ प्राणनाथ। चरणों में नहीं, अन्यथा। Oh, my God.
और मच गयो हल्लो नगर में धमाल है, मौरवी मैया ने जायो चांद जैसो लाल है, चढ़कर अटरिया पे थाली बजाओ, हाँ चढ़कर अटरिया पे थाली बजाओ, गाओ रे गाओ रे बधाई गाओ, गाओ रे गाओ रे बधाई गाओ, अरे मच गयो हल्लो नगर में धमाल है, मौरवी मैया ने जायो चांद जैसो लाल है, चढ़कर अटरिया पे थाली बजाओ, गाओ रे गाओ रे बधाई गाओ, हाँ गाओ रे गाओ रे बधाई गाओ। सारे नगर में मुनादी करा दो, ढिंढोरा पिटवा के सबको बता दो, हाँ सारे नगर में मुनादी करा दो, ढिंढोरा पिटवा के सबको बता दो, घर घर में दीप सखी घी के जलाओ, घर घर में दीप सखी घी के जलाओ, गौरी गौरी बधाई गाओ, गौरी गौरी बधाई गाओ। ग्यारस की रात सुदी कार्तिक महीना, ऐसी खुशी पहले आई कभी ना, हाँ ग्यारस की रात सुदी कार्तिक महीना, ऐसी खुशी पहले आई कभी ना, झूम झूम नाचो रे धूम मचाओ, झूम झूम नाचो रे धूम मचाओ, गौरे गौरी बधाई गाओ, हाँ गौरी गौरी बधाई गाओ। Thank you.
पुत्र, तुम्हारे केश बर्बराकार हैं, अतः तुम्हारा नाम बर्बरीक होगा। तुम अपने कुल का कल्याण करने वाले होगे, अतः तुम्हारे लिए जो परम कल्याणमय मार्ग है, उसके लिए हम लोग द्वारिकापुरी चलकर यदुकुलनाथ भगवान श्री कृष्ण से पूछेंगे। अपनी माता से आज्ञा ले लो पुत्र। माते, मुझे आज्ञा दीजिए ताकि मैं पिताजी के साथ जाकर भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा अनुसार अपने जीवन के उद्देश्य को सार्थक करते हुए आपको और अपने कुल को गौरवान्वित कर सकूं। मुझे आज्ञा दीजिए माते, मुझे आज्ञा दीजिए। पुत्र, जन्म लेते ही तुम तरुण हो गए। अपने हृदय के टुकड़े को किंतु इसी में ही हमारा कल्याण है। जाओ पुत्र, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। पुत्र, कुरुवंश को बढ़ाने वाले राक्षस श्रेष्ठ सब कुशल तो हैं। देव, आपके आशीर्वाद से सब कुशल हैं। यहाँ किसलिए तुम्हारा आगमन हुआ? यह मेरा पुत्र बर्बरीक है, जन्म लेते ही यह तरुण हो गया। यह आपसे कुछ प्रश्न करना चाहता है। देव, पुत्र मौर्वीय, तुम्हारी क्या जिज्ञासा है? आर्य देव माधव, मैं मन बुद्धि और समाधि के द्वारा आपको प्रणाम करके पूछता हूँ कि मेरे मोक्ष के लिए कौन सा कार्य श्रेष्ठ है जो कि स्कूल के लिए कल्याणकारी हो। पुत्र, तुम क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुए हो, अतः सर्वप्रथम बल की प्राप्ति हेतु साधना करो, उसके उपरांत दुष्टों का दमन करो और साधु पुरुषों की रक्षा करो। ऐसा करने से तुम्हें राष्ट्र में यश मिलेगा और मोक्ष की प्राप्ति होगी। भगवान, मैं किनकी साधना करूं और उसके लिए कौन सा क्षेत्र श्रेष्ठकर होगा जहां मैं ब्रह्मचर्य व्रत का पालन भी भली भांति कर सकूं? पुत्र, महीसागर संगम तीर्थ में एक स्थान गुप्त क्षेत्र के नाम से विख्यात है, जहां नारद मुनि द्वारा लाई गई 9 दुर्गाएं निवास करती हैं। तुम वहां जाकर उनकी आराधना करो। भीमनंदन, तुम्हारा यह पुत्र सुंदर हृदय वाला है। पुत्र पिता दोनों चले जाके शीश नवा, माधव दे आशीष सुत, महीसागर पहुँचा। महीसागर पहुँचा।
पुत्र बर्बरिक। माँ, निरंतर 3 वर्षों से की गई तुम्हारी तपस्या अति प्रशंसनीय है, अतः मैं 3 बाण तुम्हें प्रदान करती हूँ। इनका उपयोग सत्य के लिए ही करना, क्योंकि इन 3 लोकों में यह शक्ति और किसी भी वीर के पास नहीं है। अब कुछ समय के लिए तुम यहीं निवास करो। मगध देश से विजय नामक ब्राह्मण यहाँ साधना करने हेतु आएगा तथा उसकी संगति पाकर तुम अधिक कल्याण के भागी होगे। जैसी आपकी आज्ञा माते, जैसी आपकी आज्ञा। तुम्हारा कल्याण हो। ब्राह्मण श्रेष्ठ, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुई। अब तुम आंगन में सिद्धांबिका के आगे संपूर्ण विधाओं की साधना करो। पुत्र बर्बरिक अर्थात सुहृदय हमारा भक्त है, वह तुम्हारी सहायता करेगा। सुहृदय, चिंतित मत होइए। मेरा नाम विजय ब्राह्मण है और माता दुर्गा के आदेश से सिद्धि प्राप्ति के लिए आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूं। अतः हे भीम पौत्र सुहृदय, तुम निद्रा त्याग कर पवित्र हो देवी के श्लोकों का पाठ करो। जब तक मैं इस विधा साधन रूप का कर्म करूं, तब तक किसी भी प्रकार का कोई भी विघ्न ना आने पाए। जैसी आपकी आज्ञा। Thank you.
बात है, अहिंसा ही परम धर्म है। दुष्ट, तूने यह अग्नि जो प्रज्वलित कर रखी है, इस अग्नि हवन कुंड से लाखों सूक्ष्म जीवों का दुखदायी वध हो रहा है। दुर्बुद्धि पापी, तू असत्य कहता है। अग्नि में आहुति देने पर तो देवताओं की तृप्ति होती है। तू अवश्य ही आराधना में विघ्न प्रस्तुत करने के लिए स्वांग भर रहा है। अतः तेरा वध होना नितांत आवश्यक है। अपने प्राण त्यागने के लिए तैयार हो जा दोस्त।
जय हो। हे वीरश्रेष्ठ, आपके द्वारा पलाशी नामक देवते अपनी सेना सहित मृत्यु को प्राप्त हुआ। इस दुरात्मा ने हम लोगों को बहुत कष्ट पहुंचाया है, किंतु आज आपके वीरता से भरे प्रदर्शन से हमें हमारा राज्य उन्हें प्राप्त हुआ है। कृपा कर हम नागों से मनवांछित वर मांगिए। हम और हमारी पूरी जाति आपसे प्रसन्न होकर आपको वर देने हेतु लालायित है। देव, मुझे स्वयं के लिए कुछ नहीं चाहिए। यदि वर देना ही चाहते हो तो विजय नामक ब्राह्मण को दो, जो कि गुप्त क्षेत्र में सिद्धि प्राप्ति के लिए आराधना कर रहा है, ताकि वे समस्त विघ्नों से मुक्त होकर सिद्धि प्राप्त कर सकें। हे वीर योद्धा, आप जितने बड़े वीर हैं उससे भी बड़े दानवीर हैं। धन्य है आपकी दानवीरता। इस प्रकार निस्वार्थ समाज सेवकों के उज्ज्वल चरित्रों से राष्ट्र अनुप्रमाणित होता है और समाज के घटक निखरते हैं। आपकी दानवीरता को शत शत नमन देव, शत शत नमन। हे पुरुष श्रेष्ठ, आप जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा। हे कामदेव के अवतार वीर पुरुष, आपके चरणों की दासियां आपको पति के रूप में वरण करना चाहती हैं। अतः आप हमारी सेवा स्वीकार करिए तारणहार। देवियों, मेरा जन्म कुरुवंश में हुआ है। मैं पांडुनंदन भीमसेन के पुत्र घटोत्कच का पुत्र बर्बरीक हूँ। क्योंकि मैंने सदा ब्रह्मचारी रहने का व्रत लिया है, अतः हे देवियों, मुझे क्षमा करें। हे वीर, आपके सहयोग से मैंने अनुपम सिद्धि प्राप्त की है, अतः मैं अपनी ओर से यह पवित्र भस्म आपको अर्पण करता हूं। इस पवित्र भस्म को रणभूमि में चुटकी भर उड़ा देने से ही शत्रुओं का नाश हो जाएगा। क्षमा करें ब्राह्मण श्रेष्ठ, निष्काम भाव से किया गया उपकार साधुता है, अतः मुझे इस भस्म की कोई आवश्यकता नहीं है। यह किसी ऐसे निर्बल बुद्धिजीवी को जो इसका उपयोग कर समाज कल्याण कर सके दे देना। धन्य हो वीर, आप जैसे तेजस्वी, तपस्वी, त्यागी और दानवीरों को पाकर ही यह राष्ट्र अपनी सांस्कृतिक धारा को अक्षुण रख सकता है। सत्य कहा विजय ब्राह्मण ने, आप जैसे निस्वार्थ समाज सेवकों के जीवन से सृष्टि युगों युगों तक प्रेरणा लेती रहेगी। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आज आपको सिद्धेश्वर्य प्रदान कर दुर्लभ सिद्धियों सहित सिद्धसेन नाम प्रदान किया जाता है, और यह सब वीर सुहृदय के सहयोग से संभव हुआ है। हम सभी आपको नमन करते हैं। अब मुझे आज्ञा दो मित्र, क्योंकि अब मेरा भी कार्य पूर्ण हुआ।
दैत्य पलाशी मार कर कन्या को समझा भस्म विजय दे तुच्छ जन नित गुण मुनि जन गा नित गुण मुनि जन गा तदंतर हे देवी पार्वती, जब पांडव जुए में परास्त हो वन वन भटकते हुए वनवास काट रहे थे कि एक दिन वे शुभ तीर्थ में स्नान के लिए आए को प्यास लगी है, तुम आसपास तालाब देखकर जल लेकर आओ। भीम, तुम कुंड से जल निकालकर पहले हाथ पैर धोना, उसके पश्चात ही जल पीना, अन्यथा तुम्हें पाप लगेगा। कुंड में ही हाथ पैर और मुंह धो रहे हो दोस्त? मैं देवी को सदा इसी जल से स्नान कराता हूँ। मल से दूषित जल को तो मनुष्य भी स्पर्श नहीं करते। हे बुद्धिहीन राक्षस, अंग प्रच्छलन तो धर्मात्मा पुरुषों के लिए पूर्ण धर्म का अनुष्ठान है और तीर्थों में स्नान का विशेष महत्व है। निसंदेह तुम्हारा कथन सत्य है, परंतु ऐसे तीर्थों में जिनके की जल बहते रहते हो, किंतु जिन तीर्थों के जल स्थावर हो और उनमें से देव स्नान के लिए जल ना लिया जाता हो, वही ऐसी विधि है। ऐसे तीर्थों पर कुंड के बाहर ही स्नान किया जाता है। अतः हे दुराचारी, शीघ्र अति शीघ्र जल से बाहर निकल आओ। हे राक्षस, गांव की तरह काय काय मत कर। अब तू अपनी इच्छा के अनुसार या मिलाप कर या चिंता के मारे सूख जा। मैं तो जल पी कर ही जाऊंगा। मैंने धर्म की रक्षा करने वाले क्षत्रियों के कुल में जन्म लिया है, अतः हे दुराचारी, अपने अंत के लिए तैयार हो जा।
श्रेष्ठ महाबली, यह भारत कुल के रत्न और तुम्हारे पितामह भीमसेन हैं। यह तीर्थ यात्रा के प्रसंग से अपने भाइयों तथा द्रौपदी के साथ विचरते हुए इस तीर्थ में भी स्नान करने के लिए ही आए हैं। अतः तुम्हारे सर्वदा सम्मान पाने के योग्य है। धिक्कार है मुझे, धिक्कार है कि मैंने अपने पितामह के साथ छी। मुझे क्षमा कीजिए, मुझे क्षमा कीजिए पितामह। तो तुम घटोत्कच के पुत्र परवरिक हो वत्स? वत्स, इसमें तुम्हारा कोई अपराध नहीं है, क्योंकि हम एक दूसरे को पहचानते भी नहीं हैं, और कुमार्ग पर चलने वाला प्रत्येक व्यक्ति हर क्षत्रिय के लिए दंडनीय ही है। मुझे अत्यंत हर्ष हो रहा है, मैं और मेरे पूर्वज कितने धन्य हैं जिनका पुत्र ऐसा धर्मज्ञ और धर्मपालक है। अतः शोक ना करो पुत्र, शोक ना करो। पितामह, मैं पापी हूँ, ब्रह्मचर्य से भी बड़ा घृणा का पात्र हूँ। धर्म शास्त्र में सभी पापों का प्रायश्चित है, किंतु जो माता पिता का भक्त ना हो उसके उद्धार का कोई उपाय नहीं, उसके उद्धार का कोई उपाय नहीं पितामह। अतः जिस शरीर से मैंने पितामह को पीड़ा पहुंचाई है, मैं उस निर्लज शरीर को महिसागर संगम में त्याग दूंगा, महिसागर संगम में त्याग दूंगा, महिसागर संगम में त्याग दूंगा। इतना कहकर महाबली बर्बरीक समुद्र के भीतर चले गए, और समुद्र भी ये सोचकर कांप उठा कि मैं इनका वध करूं कि ना करूं। तदंतर सिद्धांबिका तथा चारों दिशाओं की देवियां वहां प्रकट हुई और उन सभी ने उन्हें समझाया। वीरेंद्र, शास्त्र अनुसार अनजाने में किए गए पाप से दोष नहीं लगता, अतः तुम्हें हट छोड़ देना चाहिए और तुरंत जल से बाहर निकलो। किंतु फिर भी तुमने ऐसा किया तो तुम्हारे पितामह भीमसेन भी शरीर त्याग देंगे और इस प्रकार तुम्हें बड़ा भारी पातक लगेगा। अतः हे महामते, जल से तुरंत बाहर निकलो, क्योंकि तुम्हारा अंतो देवकी नंदन श्री कृष्ण के कारण होगा। वह साक्षात भगवान विष्णु है, उनके द्वारा शरीर का नाश अति उत्तम होगा। बर्बरीक चंडिका के कार्य की सिद्धि के लिए तुम अपना बलिदान दोगे और इस संसार में चांडिल नाम से प्रसिद्ध होगे, और साथ ही समस्त विश्व में पूजनीय भी होगे। गर्व भेम का चोर कर चांडिल थे पछता, निमित बनेंगे कृष्ण श्री सुर मुनि तब समझा, सुर मुनि तब समझा। इतना सुनते ही महाबली बर्बरीक ने अपना हट छोड़ दिया और बाहर आकर भीमसेन के गले लग गया। तदंतर भीम ने अपने भाइयों सहित कुंती व द्रौपदी को सारा वृतांत कहकर घटोत्पुत्र वीर बर्बरीक से उनका परिचय कराया। सभी ने प्रसन्न हो उन्हें आशीर्वाद दिया। कुछ समय पश्चात पांडवों ने अपना मार्ग तय किया तथा बर्बरीक भी अपने माता पिता के पास लौट आए तथा उनके चरणों में नतमस्तक हो संपूर्ण यात्रा वृतांत कह सुनाया। दोनों ने ही अत्यंत प्रसन्न एवं भावुक हो अपने पुत्र को गले लगा लिया तथा अपना वात्सल्य उड़ेलने लगे, तथा बर्बरीक भी अपने माता पिता के साथ रहने लगे। कुछ समय पश्चात जब कौरव और पांडवों में महाभारत युद्ध की घोषणा हुई और भारतवर्ष के संपूर्ण महायोद्धा कुरुक्षेत्र के उपलव्य नामक स्थान पर एकत्रित हुए,
तो महाबली बर्बरीक ने भी इस महायुद्ध में सम्मिलित होने की इच्छा अपने माता पिता के सम्मुख प्रकट की। पुत्र बर्बरीक, तुम अवश्य ही इस युद्ध में सम्मिलित हो सकते हो, किंतु चूंकि यह एक धर्म युद्ध है और कौरव एवं पांडव दोनों ही तुम्हारे श्रद्धेय पूर्वज हैं, इस प्रकार यह निर्णय लेना कि इस युद्ध में सम्मिलित होकर तुम किस ओर से युद्ध करोगे अत्यंत कठिन है। अतः हे पुत्र, तुम रणभूमि में अवश्य जाओ। जब युद्ध प्रारंभ हो तब तुम वहां एक दर्शक की भांति प्रस्तुत रहना। युद्ध प्रारंभ होने के पश्चात जो भी पक्ष निर्बल पड़े, चाहे वो कौरव हो अथवा पांडव, तुम्हें उसी पक्ष का साथ देना होगा जो पक्ष निर्बल हो। जैसी आपकी आज्ञा माते, जैसी आपकी आज्ञा। मात पिता चाहे यदि पुत्र युद्ध में जाए, कल्प अकल्पित विश्व को चमत्कार दिखला, चमत्कार दिखला। सुनो भाई, यह कौन है जो नीले अश्व पर सवार होकर यहाँ आया है? मैं भी नहीं पहचानता कि यह महायोद्धा कौन है। पहले तो किसी भी युद्ध में नहीं देखा इन्हें। कदाचित ये बहुत दूर से यहाँ पधारे हैं। आओ हम स्वयं चलकर उनका परिचय लेते हैं। क्षमा करें महाराज, किंतु हमने आपको पहले कभी नहीं देखा, अतः जिज्ञासावश आपसे परिचित होने चले आए। कृपया बताएं कि आप कौन हैं तथा इस महायुद्ध में किस पक्ष की ओर से युद्ध करेंगे। मेरा नाम बर्बरीक है और मैं अभी किसी भी दल की ओर से युद्ध नहीं करूंगा। मैं तो मात्र इस धर्म युद्ध को देखने यहाँ पहुंचा हूँ, क्योंकि मैंने सुना है संपूर्ण सृष्टि के लगभग सभी दिव्यास्त्रों के ज्ञाता वीर योद्धा यहां एकत्रित हुए हैं। हाँ, किंतु मेरी माता के आज्ञा अनुसार मैं उस पक्ष की ओर से युद्ध करूंगा जो निर्बल होगा। अतः इस हेतु मैं दोनों दलों के सेनापतियों से मिलकर ऐसी सुविधाएं भी प्राप्त करना चाहता हूँ। ऐसी सुविधाएं तो यूं समझिए आपको मिल ही गई, क्योंकि ये धर्म युद्ध है। इसमें जो लड़ना चाहे लड़े अथवा जो ना लड़ना चाहे ना लड़े। किंतु आपकी सेना कहाँ है? नहीं, मुझे सेना की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं अकेला ही आया हूँ। तब आप अकेले ही निर्बलों की रक्षा और उनकी सहायता कैसे करोगे? मुझे मेरे धनुष
और इन बाणों पर असीम विश्वास है। मैं एक ही बाण से शत्रु सेना का संहार कर सकता हूं। महाराज की जय हो। कहो सैनिक, क्या समाचार है? महाराज, रणभूमि के समीप ही जो पीपल का विशाल वृक्ष है, वहाँ बर्बरिक नाम के महायोद्धा पधारे हैं। वह भी तो तटस्थ रहेंगे, किंतु बाद में जो विपक्ष निर्बल पड़ेगा उसकी ओर से युद्ध कर अकेले ही शत्रु सेना का संहार कर देंगे। क्या कहा? अकेले ही शत्रु सेना का संहार कर देंगे? हैं, असंभव। क्षमा करें महाराज, किंतु वह कहते हैं मैं एक ही बाण से शत्रु सेना का संहार कर सकता हूँ। यदि यह वीर वास्तव में निर्बल का साथ देगा तो पांडवों के विजय होते ही कौरव निर्बल हो जाएंगे। फिर उनकी ओर से लड़कर यह वीर विजय को पराजय में बदल देगा, अतः फिर तो पांडव काल के दास बन जाएंगे। और यदि पहले पांडवों को निर्बल सिद्ध करें तो इसका अर्थ होगा कि पांडवों के दो तीन भाइयों का वध। माधव, वह अकेला युद्ध कर ही क्या सकता है? मेरे गांडीव की टंकार मात्र से ही वह भाग जाएगा। उसमें ऐसा कौन सा बल दिखाई देता है? ना ही उसके पास सेना है, ना शस्त्र। बेचारा तीन बाण लिए फिरता है और अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए बाद में लड़ने का बहाना कर रहा है। नहीं पार्थ, ऐसा मेरा आभास है कि यह वीर अलौकिक शक्ति का ज्ञाता है। अगर यह युद्ध में सम्मिलित हो जाएगा तो अवश्य ही सर्वनाश हो जाएगा। इस तीन बाणधारी वीर की वीरता की परीक्षा तो अवश्य ही लेनी पड़ेगी। अभी तुम जाओ, जाकर विश्राम करो, मैं कुछ सोचता हूं। नारायण 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 नारायण, कुरुक्षेत्र में तुम्हारा स्वागत है वीर। तुम वीर बर्बरी की हो ना? तुम्हारे विशिष्ट कार्यों के विषय में मैं सुन चुका हूँ। तुमसे भेंट कर मुझे अति प्रसन्नता हो रही है। क्षमा चाहूंगा, मैं एक ब्राह्मण हूँ और इस रणभूमि की पूजा अर्चना के लिए आमंत्रित किया गया हूँ। सुना है महोदय, आप अकेले ही इस युद्ध में सम्मिलित होने के लिए आए हैं, किंतु आप अकेले युद्ध कैसे करोगे? ब्राह्मण श्रेष्ठ, मेरे ये तीन बाण ही संपूर्ण सृष्टि का विनाश कर सकते हैं। यदि तुम वास्तव में वीर हो तो तुम्हें एक परीक्षा देनी होगी। देखो, यह पीपल का विशाल वृक्ष है। तुम अपने एक बाण से अगर इसके समस्त पत्तों का छेदन कर दो, वास्तव में वीर योद्धा हो। जी हाँ। चलिए, मैं आपको अपनी अमोघ शक्ति का प्रयोग दिखाता हूं। Thank you.
आश्चर्य, घोर आश्चर्य। आप तो अत्यंत ही वीर हैं महोदय। ब्राह्मण बन माधव चले लेने परीक्षा, तरकश में कर तब घने दो बाण दिखलाए, दो बाण दिखलाए। हो, मैं तो बातों ही बातों में भूल गया कि मुझे रणभूमि को बलि देनी है। यदि बिना बलि दिए युद्ध आरंभ हुआ तो पांडव वंश नष्ट हो जाएगा। ब्राह्मण श्रेष्ठ, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं शत प्रतिशत सत्य कह रहा हूँ महोदय। तो ब्राह्मण श्रेष्ठ, संपूर्ण सेना में वे कौन कौन महापराक्रमी वीर हैं जिनकी बलि रणचंडी को दी जा सकती है? कृष्ण, अर्जुन और स्वयं आप महोदय। किंतु आप तो तटस्थ रहना चाहते हैं, फिर आप बलि कैसे दे सकते हैं? खैरिय ब्राह्मण श्रेष्ठ, यह भी संभव नहीं कि मेरे होते हुए श्री कृष्ण की अथवा अर्जुन की बलि हो, क्योंकि दोनों ही मेरे पितामह हैं। अतः मैं मेरा मस्तक स्वेच्छा से रणचंडी की बलि हेतु आपको अर्पित करता हूँ। आपके यह वीरता से भरे कथन सुनकर मैं नतमस्तक हूँ महोदय, किंतु स्वेच्छा से मृत्यु का वर्णन करना सरल नहीं है। ऐसा कहाँ किसी के भी सामर्थ्य से बाहर हो सकता है। मैं क्षत्रियों के वीर पांडव कुल में पैदा हुआ हूँ ब्राह्मण श्रेष्ठ। मेरे लिए कटनी और करनी एक समान है। चूंकि मेरे बलिदान से मेरे वंश की कीर्ति बढ़ेगी और मेरा जीवन सार्थक हो जाएगा। अतः हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, मैं भीम नंदन घटोत्कच का पुत्र बरबरीक अपना शीश अपनी इच्छा से रणचंडी की बलि हेतु आपको अर्पित करता हूँ। किंतु हे ब्राह्मण रूपधारी मनुष्य श्रेष्ठ, आपसे प्रार्थना है, आप मुझे अपना वास्तविक रूप अवश्य दिखाएं। अद्भुत है बलिदान, दान में दे दिया शीश उतार। अद्भुत है बलिदान, दान में दे दिया शीश उतार। तेरी हो रही जय जयकार हे कलयुग के अवतार। धन्य हो गई माँ की ममता, तेरे हो रही जय जयकार हे कलयुग के अवतार। तेरे हो रही जय जयकार हे कलयुग के अवतार। पांडव कुल में भीम पौत्र के रूप में आपने जन्म लिया। हो पांडव कुल में भीम पौत्र के रूप में आपने जन्म लिया। पिता घटोत कुमार मौर्वी माँ का जीवन सफल किया। महिसागर तीरथ पे की नव दुर्गा की आराधना। तीन बाण वरदान में पाए पूर्ण हो गई साधना।
आपकी शक्ति के आगे खुद भी महुवे लाचार। तेरी हो रही जय जयकार है कलयुग के अवतार। तेरी हो रही जय जयकार है कलयुग के अवतार। समर महाभारत का एक वीर नया रण में आया। छिड़ा समर महाभारत का एक वीर नया रण में आया। मैं दूंगा हारे को सहारा उसने सबको बतलाया। वेश बदल कर मधुसूदन पहुँचे बोले हे राजकुमार। तरकश में है तीन बाण क्या इनसे सबको दोगे मार। अपनी शक्ति दिखलाओ है लीले के असवार। तेरी हो रही जय जयकार है कलयुग के अवतार। पात पीपल के भेद दिखाऊं मैं। एक ही बाण से सारा कर्तव्य पूरा कर बतलाऊं मैं। नजर बचाकर मनमोहन ने एक पत्ते को छुपा लिया। हुए अचंभित बड़े देख कर बाण ने उसको भेद दिया। कैसे रोकूं मैं इसको मन ही मन करे विचार। तेरी हो रही जय जयकार हे कलयुग के अवतार। भगवान वीर मुझे दे दो अपने शीश का दान। अब बोले भगवान वीर मुझे दे दो अपने शीश का दान। आपको मैं कुछ दे पाऊं प्रभु है मेरा सौभाग्य महान। हंसते हंसते शीश काट कर कर दिया चरणों में अर्पण। अमर रहे बलिदान सदा तेरा श्याम नाम से हो पूजन। कलयुग में तेरे नाम का डंका बाजे बारंबार। तेरी हो रही जय जयकार है कलयुग के अवतार। Yeah.
अरे सुबाहु, कुछ सुना तुमने? श्री कृष्ण ने ब्राह्मण का वेश धारण कर महाबली बर्बरीक से शीश दान में मांगा और उन्होंने निसंकोच दे दिया। आश्चर्य। माते, यह युद्ध हमें सिर्फ धर्म के बल पर ही जीतना है। नीति यही कहती है हमें। माते, अत्यंत ही दुख की बात है, श्री कृष्ण ने भ्राता भीम के पौत्र बर्बरीक का शीश दान में ले लिया है। क्या? क्या? अरे वीरभद्र, घोर आश्चर्य। श्री कृष्ण ने वो तीन बाणों वाला वीर था ना, उसका शीश रणचंडी की बलि हेतु ले लिया। क्या उग्रसेन, उग्रसेन, तुम्हें पता है वे व्यक्ति जो यहाँ युद्ध करने नहीं अभी तो युद्ध देखने के लिए आया था, श्री कृष्ण ने उसी से उसका शीश कटवा लिया। ये क्या कह रहे हो चतुरसेन, वह तो तटस्थ रहना चाहता था, फिर भी उसका शीश श्री कृष्ण ने रणचंडी की बलि हेतु दान में ले लिया। अवश्य ही इसमें कोई विशेष बात छुपी हुई है। आपने बिना कुछ सोचे समझे ऐसा क्यों किया? ये तुमने हमसे किस जन्म का बदला लिया है कृष्ण? पुत्र बर्बरी हमारे पक्ष में युद्ध करने हेतु यहाँ आया था, फिर आपने युद्ध से पहले ही उसे हमसे वंचित क्यों कर दिया? ये तो सरासर पक्षपात किया है आपने। अधीर ना हो पुत्र घटोत, संयम रखो। विदितात्मा श्री कृष्ण महाबली बर्बरीक का शीश बलि हेतु एक विशेष प्रयोजन से लिया है, अतः आप सभी सिद्ध पुरुष इन्हें उलाहना ना दें। अब रहस्य उद्घाटन करना आवश्यक है। भगवान, इस समय मृत्यु लोक पर बहुत से दुष्ट राक्षसों ने भयंकर उत्पात मचा रखा है तथा निरीह जनता को परेशान कर रखा है। वे धर्म व संस्कृति का विनाश कर रहे हैं, अतः उन दुष्टात्माओं का वध कर मानवता की रक्षा कीजिए, जिससे पृथ्वी पर से पाप का भार कम हो। आपके द्वारा किए जाने वाले इस उत्तम कार्य में हम सभी देवतागण आपके सहयोग हेतु प्रस्तुत हैं, अतः आप मेरी यह प्रार्थना स्वीकार करो प्रभु। भगवान, मैं तो आपका अनुचर हूँ, आपकी आज्ञा पालन हेतु सदैव तत्पर हूँ। बताइए मुझे कब व किस प्रकार इस अभिष्ट कार्य को सिद्ध करना है। परम श्रद्धेय भगवान, आप दोनों व्यर्थ चिंतित क्यों होते हैं? मेरे होते हुए आपको चिंता करने की क्या आवश्यकता है? मुझे आज्ञा दीजिए ताकि मैं मृत्यु लोक जाकर उन दुष्टात्माओं का सर्वनाश कर शीघ्र आपके समक्ष प्रस्तुत होता हूँ। हे दम्भी यक्षराज, एक असाधारण कार्य को साधारण मानकर तूने यह भयंकर दृष्टता की है, अतः मैं तुझे श्राप देता हूँ कि पृथ्वी पर इन दुष्टों के दमन के लिए जब युद्ध होगा तब विष्णु अवतार धारी श्री कृष्ण युद्ध से पूर्व ही तेरा मस्तक रणचंडी की बलि हेतु दान में ले लेंगे। दया करें प्रभु, दया करें, मुझ अज्ञानी से बहुत बड़ी त्रुटि हो गई, मुझे क्षमा कीजिए प्रभु, क्षमा कीजिए। विलाप न करो यक्षराज,
ब्रह्मा जी द्वारा दिया गया श्राप व्यर्थ नहीं जाएगा। अतः विलाप छोड़ो और सुनो। तुम्हें जन्म से ही ऐसी बुद्धि दी जाएगी जो सभी अर्थों को सिद्ध करेगी। सभी देवतागण तुम्हारे मस्तक की पूजा करेंगे। तुम अपने लोक कल्याणकारी कार्यों और जन साधारण की सेवा के शुभ कार्यों के फलस्वरूप कलयुग में भी पूजनीय होगे। अतः धीरज धरो। पुत्र घटोत्कच और पांडवों, सूर्यवचा नामक यक्षराज ही वीर बर्बरिक है। अतः देवी चंडिका, यह भक्त का मस्तक है, इसे अमृत से सींचो। नतमस्तक हो दे दिया शीश दान निजियाप, आए बताए चंडिका ब्रह्म देव का श्राप। ब्रह्म देव का श्राप। कहो वीर, तुम्हारी क्या इच्छा है? भगवान, सृष्टि के सभी महारथी इस युद्ध में सम्मिलित हुए हैं, अतः मैं ये युद्ध देखना चाहता हूँ। तथास्तु वत्स, तथास्तु। जब तक यह सृष्टि, नक्षत्र, सूर्य तथा चंद्रमा रहेंगे, तब तक तुम। तत्पश्चात कौरव और पांडवों की सेना में भयंकर युद्ध छिड़ गया, जो निरंतर 18 दिनों तक चला। पांडव विजय हुए और कौरव पराजित। इस युद्ध की भीषण विभीषिका का अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि दोनों ही पक्षों के केवल 10 ही व्यक्ति जीवित बचे थे। पांडव पक्ष में पांचों पांडव श्री कृष्ण तथा सात्यकी, जबकि कौरव पक्ष में अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा। यह अत्यंत ही विचित्र बात थी कि पांडव सेना निर्बल होते हुए भी इस युद्ध में विजयी हुई थी। युद्ध समाप्ति के पश्चात पांडव अपनी विजय के उन्माद में चूर हो गए। एक दिन राज्यसभा में युधिष्ठिर ने कहा, जनार्दन, इस महान संग्राम सागर से आपने ही हमें तारा है, अतः हे नाथ, हे हरे, आपको शत शत नमन। राजन, धृतराष्ट्र के पुत्र को मारने वाला तो मैं हूँ, फिर आप श्री कृष्ण की इतनी प्रशंसा क्यों कर रहे हैं? ये तो मात्र सारथी थे। किसी ऐसे व्यक्ति को जिसने युद्ध में शस्त्र धारण ही नहीं किया हो, विजय का सारा श्रेय देना सर्वथा अनुचित है। पुत्रो, ये तुम क्या व्यर्थ की बातें कर रहे हो? विजय का उन्माद एक सीमा तक ही उचित है, अतः मूल बातों को छोड़कर सत्य को स्वीकारो। किसने क्या किया अथवा किसके कारण यह विजय हमें मिली है? यहाँ बैठकर अनुमान लगाने अथवा एक दूसरे पर आक्षेप लगाने से तो अच्छा है हम सभी पुत्र बर्बरीक से, जिसने की इस युद्ध को भली भांति देखा है, चलकर पूछते हैं। वीर बर्बरीक, चूंकि तुमने इस महायुद्ध को भली भांति देखा है, इसीलिए तुम अच्छी तरह से जानते हो कि अकेले मैंने अपने बाहुबल से इस युद्ध को जीता है। 18
18 दिनों तक निरंतर मेरे गांडीव की टंकार से दसों दिशाएं गूंजती रही। भीष्म को मारना कोई हंसी खेल नहीं था। भगदत्त, आचार्य द्रोण और कर्ण, और यही नहीं अश्वत्थामा को भी मैंने ही परास्त किया, जिनके भय से धर्मराज युधिष्ठिर को भी रात रात भर नींद नहीं आती थी। कहो, क्या यह सत्य नहीं? पहले आप सभी कह लें, इसके उपरांत ही मैं अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करूंगा। मेरी इस पर्वतीय विशाल गदा के विषय में तुम्हारा क्या विचार है बर्बरीक? मैंने इस गदा से दुष्टात्मा दुशासन का रक्त पिया, दुर्योधन का वध किया, हिडिंब जरासन व कीचक को परास्त किया, तो बताओ क्या युद्ध मेरी अनुपस्थिति में जीता जा सकता था? मेरे विचार में बर्बरीक, यह युद्ध मैंने सत्य के बल पर ही जीता है। यह अधर्म पर धर्म और असत्य पर सत्य की जीत थी। मेरी तलवार का प्रभाव तो तुमने देखा ही होगा पुत्र, युद्ध के मैदान में किस प्रकार शत्रुओं के मस्तक उनके धड़ों से अलग कर दिया करता। मेरे भाले के क्रियाकलापों के विषय में बताना तो अतिशयोक्ति होगा, क्योंकि यह सर्वविदित है कि मेरा भाला किस प्रकार शत्रुओं का रक्त पिपाशु हो रहा था। आपको भी अपने विषय में कुछ कहना है नाथ? वीर बर्बरीक, चूंकि मैंने यह युद्ध योद्धा के रूप में नहीं लड़ा था और मैं तो मात्र सारथी था, रथ चलाता रहा, युद्ध देखता रहा, अतः मैं अपने विषय में क्या कहूँ। धन्य है श्री कृष्ण कि आपने सारथी के रूप में इस युद्ध में भाग लिया, योद्धा के रूप में नहीं। यदि आप शस्त्र धारण करते तो संभवतः पांडवों की पराजय होती। अकेले भीष्म ने ही समस्त पांडव सेना व पांडव वीरों की दुर्गति कर दी थी। वे इच्छा से मृत्यु को प्राप्त हुए हैं। वृद्धावस्था में भी कितना तेज था उनके मुख पर। सुन रहे हो श्री अर्जुन, मैं आपके प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ। उस समय कहाँ था आपका गांडीव जब पितामह भीष्म ने आपकी सेना काट दी थी, रथ तोड़ दिया था, कपिध्वज धरती पर पड़ा था और आप मूर्छित हो गए थे। तब इन्हीं श्री कृष्ण ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़कर आपकी रक्षा की थी और इन्हीं श्री कृष्ण की सलाह पर आप पितामह से ये पूछने गए थे कि उनकी मृत्यु कैसे होगी। उस समय क्या आपको लाज नहीं आई जब शिखंडी के पीछे खड़े होकर आपने पितामह पर शस्त्र चलाया? ये थी आपकी वीरता की चरम सीमा। जयद्रथ के वध के दिन भी आपकी वीरता देखने को मिली। उस दिन भी श्री कृष्ण की माया साथ ना होती तो सैकड़ों अर्जुन भी जयद्रथ की परछाई तक ना पाते। ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं आपकी वीरता के श्री अर्जुन। और सुनो, तेजस्वी वृद्ध आचार्य द्रोण ने आपकी और आपकी सेना की जो दुर्दशा की थी वो भी सर्वविदित है। तब कहां गया था आपका बाहुबल? हे धर्मराज युधिष्ठिर, आप कितने धर्मप्रायण हैं ये भी मैंने उसी दिन जाना। द्रोणाचार्य को शस्त्रहीन करने में आपने असत्य का सहारा लिया, क्योंकि तुम यह क्यों भूलते हो बर्बरीक? मैंने कहा था अश्वत्थामा मर गया है, किंतु नर नहीं कुंजर। बहुत ही धीमे स्वर में कहा था ये वाक्य आचार्य द्रोण सुन नहीं सके थे, क्योंकि तभी श्री कृष्ण और अर्जुन ने अपने अपने शंख बजाने शुरू कर दिए थे। क्या ये असत्य है कि ये कार्य भी पूर्व नियोजित था? वो भी श्री कृष्ण की सलाह पर। और सुनो धनंजय, कर्ण के सम्मुख आपके सभी दिव्यास्त्र एक एक कर असफल हो चुके थे। श्री कृष्ण ने घोड़ों को बैठाकर आपकी रक्षा तो की, परंतु आपके मुकुट को तो तब भी नहीं बचा सके थे। और किस प्रकार निहत्ते कर्ण को निर्लज्जता से मारा वो सब देखा था मैंने। कर्ण को निहत्ता देखकर मैं तो रुक गया था, परंतु श्री कृष्ण की आज्ञा थी कि इस समय कर्ण को नहीं मारा
और यदि कर्ण अपने रथ का पहिया कीचड़ से निकाल कर रथ पर सवार हो गया तो कदाचित मैं कर्ण का वध कभी नहीं कर पाऊंगा। सत्य कहा आपने, श्री कृष्ण तो किसी भी परिस्थिति में आपकी विजय ही चाहते थे, इसीलिए मुझे युद्ध से वंचित कर दिया। महाबली भगदत्त की प्रचंड शक्ति को अपनी छाती पर सहा, क्योंकि वो जानते थे कि वो शक्ति आपके शरीर के अनगिनत टुकड़े कर देती। कहो कौन तय, क्या अब भी आपके मन में कोई शंका, कोई भ्रम है? पिता मैं भीम से, अब मैं आपकी शंका का समाधान करता हूँ। ये सर्वविदित है कि आपका बल अतुलनीय है। आपने हिडिंब, जरासंध और कीचक का वध किया, दुशासन की छाती का लहू पिया और कौरवों के अंतिम योद्धा दुर्योधन को परास्त किया। परंतु महाभारत जीतने के लिए आपकी यह शक्तिशाली गदा अपर्याप्त थी, और यदि पर्याप्त थी तो धनुर्धर कर्ण के सम्मुख विफल क्यों हो गई? क्यों स्वयं को बचाने हेतु मरे हुए हाथियों के झुंड के पीछे जा छुपे थे आप? यदि वे चाहते तो आप सहित नकुल, सहदेव और धर्मराज युधिष्ठिर का वध भी कर सकते थे, किंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। जानते हो क्यों? क्योंकि उन्होंने आप सभी को अभेदान दिया था और अपने वचन पालन हेतु कटिबद्ध थे। वे महान थे, दानवीर थे, महान दानवीर कर्ण। और हाँ, जयद्रथ के सामने जिस वीरता की डींगे आप कुछ समय पूर्व हाँक रहे थे, वो कहाँ चली गई थी? उसने आप सबको चक्रव्यूह के प्रथम द्वार पर ही सफलतापूर्वक रोक लिया था। क्यों? आप तो वीर थे, सर्वश्रेष्ठ गदाधारी थे, किंतु एक समय था जब आप अपनी वीरता की सर्वश्रेष्ठता सिद्ध कर सकते थे, और वो तब था जब आपके और दुर्योधन के मध्य गदा युद्ध हुआ था। किंतु उस समय भी आपने अपनी धर्मभ्रष्टता का ही परिचय दिया। श्री कृष्ण के इशारे पर गदा युद्ध के नियमों के विरुद्ध आपने उसकी जंगा पर गदा प्रहार किया। धिक्कार है आपको और आपकी वीरता को। श्री बलराम जी तो आपको दंड देने के लिए उठे थे, परंतु एक बार फिर श्री कृष्ण ने आपका बचाव किया। और करते भी क्यों नहीं, उन्हीं के इशारों पर तो सब कुछ हो ही रहा था। और दुर्योधन के जीवित रहते हुए आप लोग विजय भी घोषित नहीं हो सकते थे। धन्य था दुर्योधन जिसने वीरता की लाज रखी, अन्यथा वो आपको छोड़कर किसी अन्य को, क्योंकि उसके पास आप सब में से किसी के भी साथ गदा युद्ध करने का प्रस्ताव था, चुनता तो उसकी मृत्यु निश्चित थी। किंतु उसने आपको चुना, अपने से अधिक बलशाली को चुना, और युद्ध में मृत्यु तो आपकी भी अवश्यंभावी थी, किंतु किंतु श्री कृष्ण की नीति पराजित कैसे हो सकती थी? यदि संसार में कोई मुझसे ये पूछे कि इस महायुद्ध का वास्तविक विजेता कौन है, तो मैं कहूंगा निसंदेह भगवान श्री कृष्ण, जिन्होंने अपनी बुद्धि और नीति के सहारे इस महाभारत को जीता। मुझे तो प्रत्येक महायोद्धा, प्रत्येक वीर योद्धा, प्रत्येक सैनिक के बहरूप में श्री कृष्ण ही युद्ध करते प्रतीत होते थे। श्री कृष्ण नीति की जय हो, साक्षात विष्णु रूप भगवान श्री कृष्ण की जय हो। हमें क्षमा कीजिए प्रभु, हमें विजय के उन्माद में यह भी आभास नहीं रहा कि इस युद्ध में आपकी भूमिका ठीक वैसी ही थी जैसे बिना बाण के धनुष। सत्य तो यह है कि प्रत्येक योद्धा
प्रत्येक सैनिक और प्रत्येक सारथी सभी कुछ आप ही थे। हमें क्षमा कीजिए प्रभु, हमें क्षमा कीजिए। प्रिय पांडवों, आप लोग लज्जित न हो। आप लोगों का भ्रम दूर करने के लिए ही द्रौपदी आप सभी को यहाँ लाई, और मेरी भी ऐसी ही इच्छा थी, किंतु मुझे आप लोगों से पूरी सहानुभूति है। तब महाबली बर्बरीक ने सबको प्रणाम किया तथा अपने कटु वचनों के लिए सभी से क्षमा प्रार्थना की। सभी ने उनको आशीर्वाद दिया। तो इस प्रकार देवी पार्वती, महाबली बर्बरीक ने श्री कृष्ण से पुनः आशीर्वाद लिया तथा अंतर्ध्यान हो गए और अपने अभिष्ट स्थान खाटू में आ गए। अब बता, क्या अब भी तुम्हारे मन में कोई शंका, कोई प्रश्न शेष है शीश के दानी बाबा श्याम के प्रति? स्वामी, अब मेरे मन में कोई भी शंका शेष नहीं है, निसंदेह। सुहृदय, चांडिल, बर्बरिक, बाबा श्याम ही सर्वश्रेष्ठ त्यागी हैं। स्वामी, शीश के दानी की कथा अत्यंत ही रोचक थी, किंतु महाभारत का युद्ध तो कुरुक्षेत्र में हुआ था, तो फिर बाबा श्याम का यह विशाल मंदिर खाटू में कैसे? इसके पीछे भी एक कथा प्रचलित है देवी पार्वती, किंतु मैं वह कथा तुम्हें फिर कभी सुनाऊंगा, अभी तो तुम भांग उठो। भगवान, मैं तो आपकी भांग से दुखी हो गई। आप मुझे वो कथा सुनाइए, अन्यथा मैं अपने पीहर चले जाऊंगी। देवी, पीहर के स्थान पर और भी बहुत से शब्द होते हैं। यदि कथा सुनने के पश्चात तुम मुझे प्रचुर मात्रा में भांग घोट कर देने का वचन दोगी, तो ही मैं तुम्हें आगे की कथा सुनाऊंगा। जैसी प्रभु की इच्छा, तथास्तु। कलयुग का प्रसार होते ही बाबा श्याम ने श्री कृष्ण के वरदान के प्रभाव से भक्तों का उद्धार करने हेतु खाटू में प्रकट होने की इच्छा प्रकट की, और आप अति नाटकीय ढंग से प्रकट भी हुए। उन दिनों खंडेला का राजा, जो कि अत्यंत ही धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था, खाटू में उसी का बनवाया हुआ शिव मंदिर भी है, जहां वो प्रत्येक सोमवार आया करता था। खाटू ग्राम में उसकी इतनी अटूट श्रद्धा थी कि खंडेला को लोग खाटू खंडेला कहने लग गए थे। यह बात तो सिद्ध ही है कि कोई भी लोक कल्याण का कार्य किसी उद्भट भक्त अथवा महान व्यक्ति के द्वारा ही संपन्न होता है। श्री श्याम देव ने भी उन्हीं खंडेला नरेश के हाथों अपने शालिग्राम शिलारूप विग्रह का अनावरण तथा उसको प्रतिष्ठित करवाना श्रेयस्कर समझा। राम राम मुखिया जी। राम राम। क्या हुआ, सब कुशल तो है? कुछ कुशल नहीं मुखिया जी। कोई अनहोनी तो नहीं हो गई? अब क्या बताएं मुखिया जी, खबर ऐसी है कि यदि महाराज को पता लग गया ना, तो बड़ी भारी विपदा आ जाएगी। अरे, यूं ही भी सुरते रहोगे या कुछ कहोगे भी? क्या मामला है? वो अपनी गाय है ना राधा। क्या हुआ राधा को करम जोड़ो? वो महाराज की सबसे प्रिय गाय है, अगर उसे कुछ हो गया तो तुम सबकी खैर नहीं समझो। अरे, क्या सांप सूंघ गया क्या? तू बता रे अरिया। मुखिया जी, गाय तो स्वस्थ है, मगर कोई चुपचाप से उसका दूध चुरा ले जाता है। क्या, दिमाग खराब तो नहीं होगा तुम सबका? फिर तुम किस बात की रखवाली करते हो? पकड़ा नहीं उस चोर को? पकड़ लिया होता तो तीसरा वो होता अभी। अब तो ये बताओ करना क्या है? अब जो करना है वो तो महाराज ही करेंगे। जाओ। Thank you.
आश्चर्य। सैनिकों, खुदाई करने वालों को बुलाकर लाओ, साथ में हमारे राज पंडित जी को भी बुलाकर लाना। ये कौन सी माया है प्रभु? क्या मेरे राज्य पर कोई संकट आने वाला है? यदि मुझसे या मेरी भोली जनता से कोई पाप हो गया है तो मैं क्षमा चाहता हूँ। हम पे कृपा करो प्रभु, हम पे कृपा करो। राजन, सब कुशल तो है? कुछ कुशल नहीं महात्मन, हमारे राज्य पर कोई विपदा आने वाली है। हमारी प्रिय गाय राधा उस स्थान पे खड़ी है और उसके चारों थनों से दूध की धाराएं बह रही हैं। इसमें चिंतित होने की कोई बात नहीं है राजन, अवश्य ही इस स्थान पर कुछ अद्भुत है, उसी के परिणाम स्वरूप ऐसा हुआ। अतः चिंता छोड़कर हमें इस स्थान की खुदाई करवानी चाहिए। जैसी आपकी आज्ञा। कलयुग की ज्वाला से हमको बचाने, भक्तों का बेड़ा पार लगाने, हार का साथ निभाने, प्रकट हुए बाबा श्याम। वर देखो तीरथ खाटू धाम, अरे कलयुग की ज्वाला से हमको बचाने, भक्तों का बेड़ा पार लगाने, हार का साथ निभाने, प्रकट हुए बाबा श्याम। वर देखो तीरथ खाटू धाम, कोड़ियों की कोड जाने कहाँ खो गई, निर्धन की दूर गरीबी हो गई, कोड़ियों की कोड जाने कहाँ खो गई, निर्धन की दूर गरीबी हो गई। अंधों की अखियन के दीप जले, गूंगों के कंठ से सुर निकले, नसीब अभागों के बदले, प्रकट हुए बाबा श्याम। वर देखो तीरथ खाटू धाम, विधिवत पूजन कर, बैठाया है सोने के सिंहासन पर, शीश का विधिवत पूजन कर, बैठाया है सोने के सिंहासन पर। अधरों पे मंद मंद मुस्कान, भक्तों का बाबा मोह रहमन, बड़ा प्यारा है दर्शन, प्रकट हुए बाबा श्याम। वर देखो तीरथ खाटू धाम, बाबा श्याम, वर देखो तीरथ खाटू।
खाटू नरेश ने उस सालिग्राम शिलारूप विग्रह को विधिवत प्रतिष्ठित करवा दिया और एक भव्य मंदिर भी बनवा दिया जो कि आज भी विद्यमान है, जहां आज प्राचीन श्री श्याम कुंड बना हुआ है। यहीं पर आपका शालिग्राम शिलारूप विग्रह प्रकट हुआ था जो कि श्री श्याम कुंड के नाम से प्रख्यात है, और इस कुंड का जल गंगा जल के समान ही पवित्र समझा जाता है। ग्यारस के दिन मंदिर के पट रात्रि में भी खुले रहते हैं। नीलेश्वर, यह कथा तो और भी अधिक रोचक थी। अब आप प्रतीक्षा कीजिए, मैं अभी आपके लिए भांग घोट कर लाती हूँ। ओम कर्पूरे गौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ओम जय श्री श्याम हरे, बाबा जय श्री श्याम हरे, खाटू धाम विराजत, खाटू धाम विराजत, अनुपम रूप धरे। ओम जय श्री श्याम हरे, रतन जड़ित सिंहासन सिर पर चवर डूरे, तन के सरिया बागो, तन के सरिया बागो, कुंडल श्रवण परे। गल पुष्पों की माला सिर पर मुकुट धरे, खेवत धूप अग्नि पर, खेवत धूप अग्नि पर, दीपक ज्योत जले। मोदक खीर चूरमा सुवर्ण थाल भरे, सेवक भोग लगावत, पायक भोग लगावत, सेवा नित्य करे। झांझ नगाड़ा घड़ियावल शंख मृदंग धुरे, भक्त आरती गावे,
दास आरती गावे जय जयकार करे। जो ध्यावे फल पावे सब दुख से उबरे, सब दुख से उबरे। सेवक जन निज मुख से, पायक जन निज मुख से, श्री श्याम श्याम उचरे। ओम जय श्री श्याम हरे। श्री श्याम बिहारी जी की आरती जो कोई नर गावे, कहत आलू सिंह स्वामी, कहत आलू सिंह स्वामी, मनवांछित फल पावे। ओम जय श्री श्याम हरे। ओम जय श्री श्याम हरे। बाबा जय श्री श्याम हरे। निज भक्तों के तुमने, निज भक्तों के तुमने पूर्ण काज करे। ओम जय श्री श्याम हरे। ओम जय श्री श्याम हरे। बाबा जय।